पांच मटर के दाने। ये कहानी है पांच मटर की, जो कि मटर की ही फली में रहते थे। वो सभी अलग थे। फली बंद होने की वजह से एक दूसरे से सभी करीब थे। वो छोटे होने की वजह से सूरज को नहीं झेल पा रहे थे, इसीलिए वो सारा दिन सोते रहते थे, पर रात को एक दूसरे से बात करते थे और मौसीकी का लुत्फ उठाते थे, खास करके चांद की धुन पर। जब चांद निफ्स होता तो मटरों के लिए अपने सिर और पांव को चांदी की रस्सी से बांधकर बहुत ही खूबसूरत धुन बजाता, जो मटरों को बहुत अच्छी लगती थी। और जब चांद पूरा होता तो ढोल बजाता था। मटर के दाने ढोल की जोरदार आवाज सुनकर उड़ जाते थे, लेकिन चांद की मौसीकी पर हर मटर का एक अलग अंदाज होता था। मुझे इस ढोल की आवाज बहुत पसंद है, बूम 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 बजाए धूम धूम धूम। मुझे तो ये धुन सुन के आराम का एहसास होता है। मुझे तो वीणा की आवाज बहुत ही खूब और दिलसोज लगती है। वाह क्या बात है। ओह कभी कभी सुकून भी होना चाहिए। हर बार क्या मौसीकी, मुझे तो जी भर के सोना पसंद है। वाह मजानी लाइफ। चौथा मटर बहुत ही आलसी था, वो हर वक्त सोता ही रहता था। पांचवा और सबसे छोटा मटर इन चारों से सबसे अलग था। मुझे तो हर तरह की मौसीकी पसंद है, वो मंजीरा ढोल और वो वीणा, हर एक की धुन दिलसोज है और मुझे खुशी का एहसास देती है जब मैं इन्हें सुनता हूँ। मटर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब बड़े हो गए। अब उन्हें फली में जगह बहुत कम पड़ने लगी थी। जरा बाजू हटना, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तुम यहाँ हिलने की बात कर रहे हो, मैं यहाँ घूम नहीं पा रहा हूँ। इस फली में तो बिना ट्रैफिक के जाम हो गया। हाँ और मैं तो ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह दो ना मुझे। मैं सबसे नन्हा सा हूँ, पर मुझे भी यहाँ जगह कम पड़ रही है। सभी परेशान हो रहे थे और एक दूसरे को हटाने के लिए कह रहे थे, तभी अचानक मटर की फली खुल गई और बहुत सारा उजाला अंदर आ गया। ओहो ये फली किसने खोली भाई, ये तो हद हो गई, हमें तो चैन से सोने भी नहीं देते हैं। कोई फली को बंद कर दो, मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है, ये तो कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया है। अरे वाह हमारी फली खुल गई, आप मजा आ गया। कुछ देर बाद जब सारे शम्स की रोशनी में आराम महसूस करने लगे, तब उन्होंने एक मुद्दा शुरू किया। मुझे तो लगता है अपनी निकल पड़ी। निकल पड़ी वो कैसे, यानी कि हम बाहर निकल कर दुनिया देख सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे लिए ये बाहर की दुनिया खतरनाक है। हम सब इन बातों में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे तो बाहर की रंग बिरंगी दुनिया देखनी है, मैं तो इस फली से बाहर निकलकर मजे करना चाहता हूँ। तुम लोगों को जो जी में आए वो करो, मैं तो बस थोड़ा और सोना चाहता हूँ। तो कहो क्या कहते हो, क्या बाहर निकलना अच्छा होगा? हम तो यहाँ बहुत वक्त से हैं, हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। चलो बाहर निकलकर मजे करते हैं, अब हम इस फली से आजाद हो चुके हैं। कुछ देर राय मशवरा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फली से बाहर निकलेंगे। उन्हें लगा यही मौका है एक नए तजुर्बे का, और वो एक के बाद एक फली से कूद गए। संभल के आना दोस्तों, पता नहीं मैं कहाँ गिरूंगा। उई माँ बच गया, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ। और थोड़ा आराम मिल जाए तो बात बन जाए। तुम सब कहाँ हो, मुझे अकेला छोड़ गए, यहाँ तो फिसलन है। वो सारे एक जमीन की गोद में आकर गिर गए। पहली बार बाहर की दुनिया देखकर वो बेहद खुश थे। वाह क्या खूबसूरत नजारा है। हाँ मुझे तो मजा आएगा।
फली को छोड़ना हमारा सही फैसला था। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, कोई आराम गाह जगह ढूंढ लो मेरे लिए। अरे वो देखो, हम जमीन से कितने ऊपर एक टहनी पर थे। इस नई दुनिया के बारे में वो बातें ही कर रहे थे कि एक लड़के ने उन सबको देखा। आहा, ये मटर के दाने तो मेरे गुलेट के लिए एकदम सही है, इन्हें जल्दी उठा लेता हूँ। लड़के ने एक एक करके सभी मटर के दाने उठा लिए। सबसे पहला मटर आसमान की तरफ उड़ा, वो सबकी नजर से ओझल हो गया। अरे बाप रे, लगता है मैं मरने वाला हूँ। फिर उस लड़के ने अपने गुल्लक से दूसरे, तीसरे और चौथे मटर को उड़ाया। कोई मुझे बचाओ, न जाने मैं कहाँ गिरूंगा। ये लड़का तो कर रहा है मजा, पर हमें मिल रही है सजा। मैं तो ऐसी जगह गिरना चाहूँगा जहाँ मुझे चैन से सोने को मिले। और फिर सबसे छोटा मटर उड़ के आया। अरे वाह, मैं तो बादलों में पंछी की तरह महसूस कर रहा हूँ। ओ मेरी किस्मत, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मजे की जिंदगी हो। सबसे छोटा मटर एक खिड़की के पास आकर गिर गया। ओह क्या बात, मैं सही सलामत पहुँच गया। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसने एक बच्ची को बिस्तर पर लेटे देखा जो बीमार थी और लगातार खांस रही थी। उसकी माँ उसके लिए कुछ बनाकर लाई थी जो वो खा ले। मेरी प्यारी बच्ची, ये सूप पी लो, इससे तुम्हें बुखार में लड़ने की ताकत फराहम होगी। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल खाने का जी नहीं जा रहा। तुम कुछ भी नहीं खाओगी तो पहले की तरह सेहतयाब कैसे होगी। मटर ने देखा कि माँ बच्ची को खाना खिलाना चाहती थी, पर बच्ची कमजोर होने की वजह से खा नहीं रही थी। माँ को अपनी बच्ची की परेशानी सता रही थी। रात को जब बच्ची सो गई, तब उसकी माँ उसके लिए दुआ करने लगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्दी से इस बीमारी से शिफा अता फरमा दो, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। उसकी सेहत पहले जैसी हो जाए, मेहरबानी करके उसकी जिंदगी बचा लो। मटर भी ये देख के उस बच्ची और माँ के लिए गमजदा हुआ। देर रात को मटर खिड़की से अंदर आ गया। आसमान में पूरा चांद था जो ढोल बजा रहा था। मटर ने बच्ची के लिए मौसिकी की। धम 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 गाना गाए हम, धम 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 गाना गाए हम। कौन है? मैंने अभी अभी मौसिकी की आवाज सुनी, कौन है? ये मैं हूँ, यहाँ इस खिड़की पर। तुम बोल रहे हो? मैंने आज तक मटर को बात करते नहीं देखा। मैं मौसिकी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मौसिकी करूँगा चांद के ढोल के साथ। ढोल की मौसिकी? हाँ, जब चांद पूरा होता है तो ढोल की धुन बजाता है। पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम जरूर कोई खास मटर हो। इस दुनिया में सभी खास हैं और हर चीज में मौसिकी होती है, हमें बस ध्यान देना है और मन लगा के सुनना है। तुम्हारा मतलब मैं भी चांद का ढोल सुन सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा था ना, सब कुछ मुमकिन है। अरे हाँ, मैं ढोल की आवाज सुन सकती हूँ। मैंने कहा था ना, कुछ भी मुमकिन है। नहीं, अब भी एक बात है जो मेरे साथ मुमकिन नहीं। और वो क्या है? मैं इस बीमारी से सेहतयाब नहीं हो सकती। ओ, ऐसा मत कहो, मानो कि मैं मटर के अलावा कुछ और बन जाऊं, फिर तुम भी सेहतयाब हो सकती हो। पर तुम तो सिर्फ एक मटर हो, तुम और क्या बन सकते हो? ऐसी बात नहीं है, खुद पर यकीन करना चाहिए, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और बन जाता हूँ तो यकीन करो तुम भी ठीक हो सकती हो। मैं ठीक हो जाऊंगी। अगले दिन सुबह जब बच्ची उठी, उसे मटर के साथ हुई बात याद आ गई। उसने खिड़की में बाहर झांका, लेकिन मटर वहाँ नहीं था। ओह, लगता है कोई सपना था, एक मटर कैसे बोल सकता है। वो खिड़की के पास गई और सुबह की ताजगी को देर तक तकती रही। कितना खूबसूरत नजारा है,
उस मटर ने कहा था कि अगर मैं सेहतयाब होने का सोच लूं, तो मैं जरूर ठीक हो सकती हूँ। छोटे मटर ने अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश की और वो खिड़की के बाहर ही रहने लगा और कुछ दिन खुद को धूल में लिपट कर रखा। कुछ दिन बाद जब बर्फ का मौसम आया तो धूल ने उसे बर्फीले मौसम से बचाया। वो हर रोज अपने मकसद की ओर खुद को आगे बढ़ा रहा था। अगर मैंने कुछ और दिन इस मौसम का सामना किया तो मैं जरूर अपना मकाम हासिल करूँगा। मैं अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। नन्हे मटर का खुद पर यकीन रखने वाली ताकत ने कड़कती ठंड मौसम का सामना किया। मौसम बदला और मटर के दाने में जड़ निकल आई, जो एक पौधे में तब्दील हो गया। कुछ शाखाएं भी निकल आई और कुछ खूबसूरत फूल भी। एक दिन बच्ची की माँ ने देखा उनकी खिड़की के पास एक मटर का पौधा उगाया है। ये देखो बेटी, हमारी खिड़की के पास एक मटर का पौधा होगा। अरे वाह, ये कैसे यहाँ पर होगा? उसने अपना वादा निभाया माँ, उसने सच में अपना वादा निभाया। क्या, किसने अपना वादा निभाया? वो मटर जो मटर का पौधा बन गया। अब मुझे यकीन है कि मैं सेहतयाब हो सकती हूँ। अगर वो जिंदगी बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाँ मेरी बच्ची, तुम जल्द ही सेहतयाब हो जाओगी। बच्ची ने मटर के पौधे को मुस्कुराती देखा। माँ ने मटर का शुक्रिया अदा किया और उसका ख्याल भी रखा।